असलमैक जी वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खैर खैरीत से होंगे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं खैर खैरीत से हैं और जी मौसम आप देख सकते हैं किस तरह का है और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं बाहर जाना ज़रूरी है तो इसीलिए जा रहे हैं वरना ऐसे मौसम में बिल्कुल भी मतलब फालतू जो है ना घर से निकलने का दिल नहीं चाहता तो बारिश जो है ना इस साल अभी जो सर्दियाँ स्टार्ट भी नहीं हुई हैं अभी तो अभी तो जो है ना यहाँ पे मिड सीज़न चल रहा है लेकिन फिर भी ए, इतनी शदीद सर्दी और बारिश जो है ना अभी आप देखें जस्ट मैंने दरवाज़ा खोला बैठने के लिए और पूरे का पूरा जो है ना वो मतलब भीग गया था बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और जी ये कोई टाइम है साढ़े दस बजे का यहाँ पे और ये देखिए आप ट्रैफिक जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम है और वैसे भी अभी जो है न कोरोना वायरस जो नया आया है ना किस्म उसकी वजह से जो है ना काफ़ी खौफ और वास दोबारा से फैला हुआ है पूरी दुनिया में और जो नया इसकी किस्म आई है वायरस की ओमिक्रोन उसका जो है ना केस यहाँ पे तो अभी तक आ, सामने नहीं आया मतलब मुझे नॉलेज नहीं है लेकिन आ, जो पुराने वाला है ना उसी के जो है केसेस दोबारा से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मतलब हो रहे हैं अभी मोमिन के स्कूल में जो दो साल वाले बच्चे हैं ना उनको भी बंद कर दिया गया है और जो है ना अलाराइब के भी एक क्लास की जो है एक सेक्शन है ना उसको भी बंद कर दिया गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब फैल रहे अल्लाइब की क्लास में ना दो तीन बच्चों को उनके पेरेंट्स को हो गया है हालाँकि उन्होंने वैक्सीन वगैरह जो है ना लगवाई हुई हैं तो इससे साबित ये होता है कि वैक्सीन जो है लगवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ मतलब दोनों दोनों डोज जो है ना उन्होंने लगवाई हुई हैं लेकिन फिर भी जो है लोगों को जो है ना हो रहा है कोरोना वायरस दोबारा से तो अल्लाह ताला जो है सबको अपने हिफोम अमान में रखे इससे एहतियात जो है ना वो ज़रूरी है मास्क जो है हमेशा पहन कर रखें और जी अभी हम लोग आ चुके हैं पुलिस स्टेशन यहाँ पे जो है ना आज लड़ाई बीबी जो है वो होने वाली हैं इस्पानीओला यानी कि उसको मिलने लगी है नेशनैलिटी आज स्पेनिश और जी ये जब अब अंदर गए हैं तो हम पाकिस्तानी थे लड़ाई पाकिस्तानी थी और अभी जब वो बाहर आई है तो अभी वो इस्पानीवाला हो चुकी है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी नेशनलिटी जो है ना आज मिल चुकी है पासपोर्ट और आ, देने ही जो है आज उन्होंने अभी कभी मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो बनाकर हमें दे दिया है और अभी हम जा रहे हैं वापस और जी ये रहा अराइब का स्पेनिश पासपोर्ट और इसको जो है ना थोड़ी सी लेट हो गई थी नॉर्मली जो है ना अगर आप एक साल का बच्चा जब हो जाता है ना अप्लाई करते हैं आप नेशनैलिटी तो तकरीबन तो तीन से चार साल जो है ना लग जाते हैं मतलब चार साल का जब बच्चा हो जाता है ना तो तब तक जो है नेशनलिटी मिल जाती है लेकिन एक तो हमने इसकी अप्लाई थोड़ी देर से की थी मतलब दो साल की हो गई थी तब हमने अप्लाई की थी और दूसरा ये कि कोविड की वजह से जो है ना काफ़ी मतलब लेट हो गया था काम तो अभी छः साल की हो गई है माशाल्लाह और अब जाके जो है इसका पासपोर्ट जो है वो स्पेनिश बन गया है और मैं अभी उससे पूछ रही थी अच्छा लग रहा है मतलब स्पेनिश बन के तो उस बेचारी को तो जाहिर सी बात है कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या फ़र्क होता है नेशनैलिटी मिलने का तो ऐसी कोई खास जो है ना उसको एक्साइटमेंट थी बल्कि वो थोड़ी सी नर्वस थी कि क्या मतलब नेशनैलिटी कब मिल गया है पासपोर्ट तो क्या हो गया और जी अभी हम आ चुके हैं यहीं करीबी जो मॉल था यहाँ पे कोई इरादा नहीं था घर से ना ही मुझे पता था हस्बैंड ने अचानक ही जो है गाड़ी इधर मोड़ ली थी और आ, कुछ ग्रोसरी वगैरह न करनी थी वैसे भी विंडो शॉपिंग के लिए आए थे और आ, स्पेशली वो आए थे लारायब को गिफ्ट दिलाने के लिए तो अभी चल के देखते हैं कि लारायब बीबी जो हैं वो कौन सा गिफ्ट जो है वो पसंद करती हैं और मैं आ गई थी यहाँ सुपर स्टोर एरोस्की में और आजकल जैसे कि सारी दुनिया में जो है क्रिसमस सीज़न चल रहा है तो डील्स भी काफ़ी अच्छी लगती हैं हर चीज़ पे जो है ना सेल्स लगी होती हैं तो यहाँ पे भी बर्तनों पे सेवेंटी परसेंट जो है ना लगी हुई है सेल तो काफ़ी टाइम पहले की लगी हुई है मतलब कोई एक डेढ़ महीना पहले से जो है ना ये सारी डील्स जो है ना चल रही हैं कभी सेवेंटी परसेंट कभी फिफ्टी परसेंट कभी ए, ए, मतलब ए, इस तरह की जो है ना काफ़ी ज़्यादा सेल्स जो है लग रही हैं स्पेशली बर्तनों पर क्योंकि इन लोगों का जो होता है ना क्रिसमस सीजन जो है वो बर्तनों के वगैरह धूरा है प्लेट्स वगैरह काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे नज़र आ रही होंगी आप लोगों को और बहुत सजा के जो है ना वो यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई थी चीज़ें क्योंकि 24 दिसंबर की जो रात होती है ना ये लोग इकट्ठे खाना खाते हैं फैमिली दूर दूर से जितने भी आसपास बिखरे होते हैं ना मतलब लोग फैमिली के तो वो इकट्ठे होते हैं और वो जो डिनर होता है ना ये लोग साथ करते हैं तो उसकी तैयारी के लिए जाहिर सी बात है इन्होंने अच्छे अच्छे जो हैं वो अपने बर्तन वगैरह और सारी चीज़ें जो है ना वो अरेंज करनी होती हैं और ये अच्छी अच्छी सेल्स जो है ना इसीलिए लगती हैं ताकि हर बंदा जो है ना मतलब खुशी हासिल कर सके अपनी पसंद की चीज़ें जो है ना वो खरीद कर और जब तक मैं वहाँ पे बस विंडो शॉपिंग कर रही थी बर्तन वगैरह देख रही थी तो ये लोग जो है ना शॉपिंग करके आ चुके थे मेरा वेट कर रहे थे कि मैं आऊँ और बैठूँ यहाँ इनके सामान की जो है ना रखवाली करूँ तो ये लोग जाएँ अपनी शॉपिंग करने के लिए और मुझे जो है ना यहाँ पे इन्होंने जो है ना काबू कर दिए इस ट्रॉली के साथ कि तुम इसका ख्याल रखो और हम होकर आते हैं शॉप से और ये लोग गए हैं यहाँ इस कॉस्मेटिक शॉप में काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर और मैं बस यहाँ पे देखकर आसपास जो है वो देख रही हूँ चीज़ें लाइट्स वगैरह काफ़ी प्यारी लगाई हुई है इन्होंने और सामने इजारा का स्टोर है तो वहाँ भी नहीं जा सकती थी जाहिर सी बात है ट्रॉली लेकर जो है ना आप शॉप्स वगैरह के अंदर नहीं जा सकते और बाहर भी छोड़कर कर मैं नहीं जा सकती थी तो बस देख ही रही थी आ, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं जाकर जो है ना ज़ारा में भी विंडो शॉपिंग करके आ जाऊँ देख के आ जाऊँ कि क्या कुछ जो है ना नया आया हुआ है तो अभी बस मैं यहीं पे बैठी हूँ लाइट्स वगैरह देख रही हूँ काफ़ी प्यारी जो है ना इन्होंने डेकोरेशन की हुई है इस मॉल में अल्लाह ये क्या करना था लाइव क्या से दिखाओ मुझे ये क्या करना इतना बड़ा अपने मेकअप वाला ना तो ये क्यों लेके आई ये आपने क्या करना इतना बड़ा मेकअप मेकअप ये आपको नेशनलिटी मिलने की खुशी में गिफ्ट मिला पापा ने दिए सी इस हो गई इसीलिए बताओ ना मास्क नीचे करो मास्क नीचे करो ये बताओ इस, इस पाने वाला हो गई इसीलिए मेकअप लाया पापा ने गिफ्ट मिला है? गिफ्ट मिला पापा से बोलती नहीं आगे से <laughs> भी हैं। अभी तक ग्रासियस ग्रासियस नहीं बोला पापा को बोलो <laughs> चलें आप बहुत मोजे हो गई आज आपकी महंगा और मेकअप बॉक्स लेकर लड़ाई भी इतनी ज्यादा खुश थी मतलब उसको हाथ से नीचे रखने का उसका दिल ही नहीं चाह रहा था इसको काफी ज्यादा ना शौक है मेकअप करने का कई दफ़ा मेकअप करने के चक्करों में ना याद की चीज़ें जो है ये तोड़ चुकी है तो आज इसीलिए जो है ना वो अपना लेकर आ गई है क्योंकि वो तो इसको अब हाथ लगाने नहीं देती और वापसी पे जो है ना मैंने सोचा कि मम्मी के स्कूल जाती है और मम्मी को भी ले लूँगी क्योंकि मौसम इस तरह का हो रहा है चलो अभी खाना वगैरह उन्होंने खा लिया होगा तो यहाँ पर टाइम हो रहा था दो बजने वाले थे और दो बजे तक जो है ना वो लोग फ्री हो जाते हैं कुछ खेलने वाला बाहर आ जाते हैं यहाँ पर खेलने के लिए या फिर कोई टी वी जो है ना कार्टून वगैरह टीचर लगा कर दे देती है उनको <laughs> qué, ¿Habías avisado que ibas a venir o sí? Porque no nos habían dicho. ¿Vale? Muy bien, gracias. Agur, vos profesora. Agur. Venga, vamos. ¿Ya? ¿Qué? ¡Ah! Estabas mirando dibujos, qué bien. Coleme de creo. Espera, ¿vale? Vale. Espera. चलो, चलो सीट पे और जी घर आ चुके हैं और आते ही जो ग्रोसरी करके लाए थे वो चीजें जो है मैंने ठिकाने पे लगाई हैं और साथ ही जो है ना लेकर आए थे ए, कीमा भी आते हुए लेकर आ गए थे और वही मैं भी बनाऊंगी जल्दी से सुबह जो है ना बस मैंने नाश्ता किया था आ, बच्चों को स्कूल आज हस्बैंड ने छोड़ा था तो वो जब वापस आए तो मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था नाश्ता किया हमने जस्ट और फिर हम चले गए थे तो सारे काम जो है ना तकरीबन करने वाले पड़े हुए थे अभी तक बर्तन भी वॉश करने वाले थे और घर भी जो है ना पूरा क्लीन करने वाला था तो जल्दी से मैंने चीज़ें समेटी हैं और आ, अभी साथ साथ जो है खाना बनाऊँगी और साथ साथ जो है ना बाकी सारे काम जो है वो निपटाऊँगी तो सबसे पहले जो है वो मैंने कीमे में आ, सारे जो है प्याज लहसुन अदरक और स्पाइसेस वगैरह डाल कर रख दिया था एक गिलास पानी डाल के ताकि ये जो है ना अच्छे से हो जाए और साथ साथ जो है ना मैं बाकी काम कर सकूँ तो ये जो है अभी तक हो चुका है और मेरे काम भी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं कीमे में जो मैंने पानी डाला था वो अच्छे से ड्राई हो गया है बल्कि प्याज टमाटर का जो पानी होता है वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है अभी मैं इसमें जस्ट ऑयल डालूंगी और इसको अच्छे से जो है ना वो भून लूँगी तीन से चार मिनट के लिए पानी ड्राई होने के बाद जब हम भूनते हैं ना थोड़ा सा बगैर ऑयल के तो उस वक्त जो होता है ना इसके अंदर स्मेल जो भी होती है गोश्त में वो सारी जो है ना अच्छे से ख़त्म हो जाती है और फिर जो है इसको भूनना आसान हो जाता है बहुत ज़्यादा ना भी ना भुने तो ये होता है कि उसमें से स्मेल नहीं आती है और इसको थोड़ा भूनने के बाद इसके अंदर मैंने योगर्ट ऐड किया है और ये पूरा ग्लास ही जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था क्योंकि गोश्त वगैरह किसी टाइप के बिना मुझे मतलब योगर्ट डालना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मज़े का लगता है अब योग डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू और मटर भी मैंने रखे हुए यहाँ पे मटर कीमा बनाना था नॉर्मली लेकिन आया जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं मटर खाती है और ना ही कीमा खाती है तो उसके लिए मैं एक आलू जो है ना वो हमेशा इसके अंदर ऐड करती हूँ और दो छोटे साइज़ के जो है ना मेरे पास आलू थे तो वो मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर मैं पहले आलू डालूँगी ताकि जो है ना ये गल जाएँ चार से पाँच मिनट के लिए इसको दम पर रखूँगी और जब ये गल जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैं मटर डालूँगी क्योंकि मटर जो है ना वो फ्रोज़न है और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉफ़्ट है अगर इसको ना भी गलाएं ना बहुत ज़्यादा देर तो ये अच्छे रहते हैं छोटे वाले बारीक मटर हैं ना तो बहुत जल्दी गल जाते हैं और फिर अगर बहुत ज़्यादा देर इनको रखें ना तो एक तो इनका कलर भी ख़राब हो जाता है और दूसरे नंबर पर बिल्कुल ही ये जो है ना आटे की तरह हो जाते हैं सॉफ्ट तो अभी मटर डाल के भूनूंगी थोड़ा सा ऑयल जो है ना कीमे में थोड़ा ज़्यादा डालना होता है क्योंकि इसको भूनना होता है अगर ना डालें ना तो कीमा अच्छे से भूनता नहीं है और मतलब उसकी शक्ल बिना इस तरह अच्छी नहीं निकलती तो जी ये देखिए हमारा मटर कीमा आलू मटर कीमा जो है वो बहुत मज़ेदार सा रेडी हो गया क्विक वाला और साथ ही मैंने चपाती बना ली थी और चटनी भी जो है मैंने मिक्स कर ली थी बच्चे भी बस स्कूल से आ चुके थे और अभी हम खाना शाना खाएँगे और आपको बोलेंगे अल्लाह हाफिज़ <laughs> आ, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह अल्लाहफि